कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले मनप्रीत बादल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जोरदार हमला बोला है और उन्हें राजनीतिक प्रवासी करार दिया है। दरअसल हाल ही में मनप्रीत सिंह बादल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बादल ने गुटबाजी को लेकर कांग्रेस की जमकर आलोचना की थी, जिस पर पलटवार करते हुए जयराम रमेश ने बुधवार को पूर्व कांग्रेस नेता पर तंज कसा और बाकायदा कटाक्ष कसते हुए ट्वीट में लिखा, एक आदमी जिसने अपनी पार्टी बनाने के लिए अकाली दल को छोड़ दिया और फिर कांग्रेस में शामिल हो गया, उसे 5 साल के लिए वित्त मंत्री बनाया गया, इसके बाद वो 60,000 से ज्यादा के रिकॉर्ड वोटों के अंतर से हार गया और शीत निद्रा में चला गया और अब उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। पंजाब कांग्रेस से बादल छट गए हैं। बता दें कि जयराम रमेश से पहले पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजावर्रिंग ने बादल के इस्तीफे को अच्छी छुट्टी करार दिया था और उन्हें जन्मजात सत्ता का भूखा बताया था। वही कांग्रेस की तरफ से लगातार बोले जा रहे इस हमले का फिलहाल न ही बीजेपी की तरफ से और न ही मनप्रीत सिंह बादल की तरफ से कोई जवाब दिया गया है। हालांकि बीजेपी में शामिल होने के बाद मनप्रीत सिंह बादल ने पंजाब की स्थिति पर चिंता जरूर व्यक्त की और कहा कि हम पंजाब को उसके हाल में नहीं छोड़ेंगे। पंजाब पर बात करने के साथ ही बादल ने इस दौरान कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाया और कहा कि पंजाब फिसल रहा है और बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इसके सामने आने वाले चुनौतियों का मुकाबला कर सकती है। कोई ऐसी पार्टी में कैसे रह सकता है जिसमें खुद कलह चल रही हो। न केवल पंजाब में बल्कि कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी के भीतर गुटबाजी चल रही है। वहीं बादल के मुद्दे के अलावा जयराम रमेश ने बीजेपी पर बीजेपी नेताओं के दुष्कर्म मामले में नाम सामने आने पर भी सवाल उठाए और एक के बाद एक कई ट्वीट किए जिसमें लिखा, प्रधानमंत्री जी बेटियों पर अत्याचार करने वाले सारे भाजपाई ही क्यों होते हैं? कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, बाप बेटे विनोद आर्य, पुलकित आर्य और अब ये नया मामला। बेटियों पर अत्याचार करने वाले बीजेपी नेताओं की फहरिस्त अंतहीन है। क्या बेटी बचाओ बेटियों को बीजेपी नेताओं से बचाने की चेतावनी थी? प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। फिलहाल कांग्रेस नेता के इस हमले का बीजेपी की तरफ से क्या जवाब सामने आता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।